Hello, welcome back to my channel Medical and Nursing Knowledge Hub. Myself Pooja Kajla, और आज हम discuss करेंगे another very important topic from OBG, that is maternal pelvis. इसके अंदर हम देखेंगे कि pelvis किन-किन different bones से बनता है, then कौन-कौन से उसके अंदर joints होते हैं, and कौन-कौन से ligament उसके अंदर रहते हैं, then what are different types of pelvis, then parts of true pelvis, different diameters of pelvis, then one more important thing that is angle of inclination, then significance of ischial spine and some disorders related to maternal pelvis like contracted pelvis or cephalopelvic disproportion and then some normal varieties of pelvis. We will discuss one by one. And kuch students ne feedback diya hai ki ma'am aap bahut fast padhate ho. So today I'll try to keep my pace thoda kam ki main dheere dheere hi aapko padhaun. Theek hai? So let's begin. First thing is bones. So pelvis mainly चार bones से बनता है. One is sacrum, one is coccyx जो आप photo में देख रहे हो and two innominate bones जिसको हम hip bone भी बोलते हैं. जो hip bone होती है उसके mainly तीन part होते हैं. One is ilium, then ischium and pubis. So total four bones से बनता है and जो hip bone है उसके तीन further parts होते हैं. Then comes to pelvic joints. इसके अंदर मेनली चार जॉइंट्स होते हैं, जैसे चार बोन है वैसे ही. तो कुछ जॉइंट आगे की तरफ होते हैं, कोई साइड में होते हैं, कुछ पीछे होते हैं. तो जो एंटीरियरली रहता है दैट इज सिम्फाइसिस प्यूबिस जो आप स्काई ब्लू कलर का देख रहे हो. देन लेटरली जो रहेगा दैट विल बी सैक्रोइलियक जॉइंट जो मेनली सैक्रम बोन है उसको और इलियक पार्ट है जो हिप बोन का उससे एक बोन को दूसरे बोन से अटैच करता है, दैट इज सैक्रोइलियक जॉइंट. देन पोस्टीरियरली जॉइंट रहेगा एक जो सैक्रम और कोकिक्स को एक दूसरे से अटैच करता है, जॉइन करता है, दैट इज सैक्रोकोक्सियल जॉइंट. तो अगर हम पेल्विक लिगामेंट्स की बात करें तो ईच ऑफ द पेल्विक जॉइंट इज हेल्ड टुगेदर बाय लिगामेंट्स. लिगामेंट्स कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और जहां पर भी जॉइंट होते हैं वहां पे लिगामेंट्स हमें देखने को मिलते हैं. तो मेनली फोर या फाइव लिगामेंट रहते हैं. फर्स्ट वन इज लाइक इंटर प्यूबिक लिगामेंट जो सिम्फाइसिस प्यूबिस जॉइंट के वहां रहेगा. देन सैक्रोइलियक लिगामेंट जो सैक्रल बोन और इलियक पार्ट ऑफ हिप बोन को एक जो जॉइंट है वहां पर हमें देखने को मिलेगा. देन सैक्रोकोक्सियल लिगामेंट जो सैक्रोकोक्सियल जॉइंट के वहां रहेगा जहां सैक्रम और कोक्सिक्स एक दूसरे को जॉइन कर रहे हैं. देन टू अदर लिगामेंट्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट इन ओबीजी दैट इज सैक्रोट्यूबरस एंड सैक्रोस्पाइनस. लाइक फोटो में आप देख सकते हो सैक्रोइलियक लिगामेंट जहां पे सैक्रोइलियक जॉइंट है वहां एंड अदर लिगामेंट्स लाइक सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट जो ईशियल स्पाइन के वहां, सैक्रोट्यूबरस जो ईशियल ट्यूब्रोसिटी के वहां, मींस जहां जॉइंट है वहां हमें लिगामेंट्स भी देखने को मिलेंगे. देन कम्स टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज लैंडमार्क्स ऑफ द ब्रिम. डायग्राम में आप रेड कलर की लाइनिंग या बाउंड्री देख रहे हो, इसको हम ब्रिम बोलते हैं या इनलेट बोलते हैं पेल्विस का. तो इसके ऊपर कुछ लैंडमार्क्स होते हैं, कुछ मार्क्स होते हैं जो हमें पता होना चाहिए टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट डायमीटर्स एंड उनकी सिग्निफिकेंस के लिए. तो इसके अंदर मेनली हम नो लैंडमार्क देखते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 9. तो सबसे पहले आप फर्स्ट देखिए जो क्रॉस का साइन आपको दिख रहा है स्काई ब्लू का, ये एक जॉइंट होता है जिसको हम सिम्फाइसिस प्यूबिस बोलते हैं. और उसके जस्ट जो अपोजिट में अगर हम देखेंगे तो जिसके ऊपर 9 नंबर लिखा हुआ है दैट इज सैक्रल प्रोमोन्ट्री जो थोड़ा ब्राउन कलर की दिख रही है. तो इनके बीच में क्या क्या रहेगा, सेकेंड थिंग विल बी प्यूबिक क्रस्ट, देन थर्ड थिंग विल बी प्यूबिक ट्यूबरकल जो थोड़ा ये प्रोट्रूजन सा दिख रहा है उसमें. देन फोर्थ इज अपर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर प्यूबिक रेमाई. इसके अंदर जैसे लोअर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर प्यूबिक रेमाई है वैसे ही अपर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर प्यूबिक रेमाई. देन अगेन आपको एक प्रोट्रूबेंस टाइप कुछ दिख रहा है, ये होता है इलियोपैक्टिनियन एमिनेंस. देन सिक्स्थ नंबर इज इलियोपैक्टिनियन लाइन. देन सेवन्थ नंबर इज जॉइंट यहाँ पे आ जाता है जहाँ सैक्रम और इलियक पार्ट जो है हिप बोन का एक दूसरे को अटैच कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे सैक्रोइलियक जॉइंट. देन ये दो सींग टाइप कुछ आपको दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं अलाव सैक्रम, ये सैक्रल बोन का ही पार्ट रहता है. देन नाइन्थ नंबर हम पहले ही देख चुके हैं दैट इज सैक्रल प्रोमोन्ट्री. तो 1 to 9 लैंडमार्क्स ऑन पेल्विक ब्रिम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक बार वापस से मैं आपको बता देती हूँ ये स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 9. फर्स्ट वन इज सिम्फाइसिस प्यूबिस, देन सेकंड नंबर इज प्यूबिक क्रस्ट, देन थोड़ा प्रोट्रूशन टाइप आपको दिख रहा है दैट इज प्यूबिक ट्यूबरकल, देन फोर्थ नंबर इज अपर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर रेमाई, देन अगेन प्रोट्रूशन टाइप दिख रहा है दैट इज इलियोपैक्टिलियन एमिनेंस, देन अगेन क्रस्ट इज देयर दैट इज इलियोपैक्टिलियन लाइन. देन सेवंथ नंबर पे आता है जॉइंट,
sacroiliac joint, 8 number pe jo aapko sphinx type dikh rahi hai, that is allow sacrum, and 9th pe sacral promontory. So ek do bar isko padhiye, aapko ye acche se yaad ho jayenge. Fir baat karte hain hum parts of pelvis. So pelvis is anatomically divided into true pelvis and false pelvis by pelvic ब्रिम. जो रेड कलर की बाउंड्री आपको दिख रही है, इससे ऊपर वाला जितना भी एरिया रहता है उसको हम फॉल्स पेल्विस दिख रहे हैं. मींस जो ग्रीन वाला मेजर पार्ट ऑफ हिप बोन आपको दिख रहा है, दैट इज फॉल्स पेल्विस. देन इसके नीचे वाला जो पार्ट रहता है रेड लाइन या ब्रिम के नीचे, दैट इज ट्रू पेल्विस. सो फॉल्स पेल्विस इज द पोर्शन अबाउट द पेल्विक ब्रिम, एंड इसका कोई भी ऑब्स्टेट्रिकल सिग्निफिकेंस नहीं रहता, इसलिए हम इसको फॉल्स पेल्विस बोलते हैं. Then comes to true pelvis. True pelvis lies below the pelvic brim, जो भी इस red boundary, red line से नीचे रहेगा. And it plays an important role in childbirth and delivery. उस time पे, क्योंकि ये एक actual passage बनाता है जिसमें से baby को pass होना होता है for delivery. So that is known as true pelvis. अगर हम true pelvis को देखें तो उसको भी हम further divide कर सकते हैं तीन parts में, that is pelvic inlet, pelvic cavity और mid pelvis and the pelvic outlet. जो पेल्विक इनलेट होती है उसको ही हम पेल्विक ब्रिम बोलते हैं, जो बाउंड्री हमने देखी थी रेड कलर की पीछे वाले फोटो में. देन पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी जो इशियल स्पाइन के लेवल तक रहती है, मैं आपको फोटो में बताऊंगी आगे. एंड हम कह सकते हैं कि ये पेल्विक इनलेट से नीचे और पेल्विक आउटलेट से ऊपर होती है. देन द पेल्विक आउटलेट लाइज एट द लेवल ऑफ इशियल ट्यूब्रोसिस. तो इस फोटो से हम समझेंगे, जो फर्स्ट फोटो है वो एंटीरियर व्यू है पेल्विस का, एंड सेकेंड इज पोस्टीरियर व्यू. तो जो बाउंड्री रहेगी, जो ये होल आपको दिख रहा है पूरा, इस ब्रिम को हम पेल्विक इनलेट बोलेंगे. देन जो दो ये आपको प्रोट्रूजमेंट से दिख रहे हैं, ये इशियल स्पाइन होते हैं, जो इसके लेवल तक जो रहता है दैट इज कैविटी. मीन्स पेल्विक इनलेट से नीचे और इसके ऊपर इस लेवल तक जो इशियल स्पाइन तक रहेगी, एंड देन उसके नीचे आएगा, दैट इज जो दो आपको ये ऐसे दिख रहे हैं इसको बोलते हैं इशियल ट्यूब्रोसिटी. जो इस लेवल पे रहते हैं उसको हम बोलते हैं पेल्विक आउटलेट. तो पेल्विक इनलेट लिए ब्रिम, देन इशियल स्पाइन तक पेल्विक कैविटी, एंड देन इशियल ट्यूब्रोसिटी के लेवल तक पेल्विक आउटलेट. देन कम्स टू डायमीटर्स ऑफ पेल्विक. हमें इनलेट, आउटलेट एंड कैविटी के डायमीटर्स देखने हैं. डायमीटर्स में हमें एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर देखने हैं, ट्रांसवर्स डायमीटर देखने हैं, एंड ओब्लिक डायमीटर देखने हैं, जैसे इस फोटो के अंदर दिखा रखे हैं. तो पहले हम एंटीरियर पोस्टीरियर देखेंगे तीनों चीजें के, दैट इज इनलेट, कैविटी एंड आउटलेट के. देन ट्रांसवर्स एंड ओब्लिक डायमीटर हम इसके देखेंगे. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट थिंग इज एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर्स. अगर हम इनलेट के एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की बात करें तो वो मेनली हम तीन देखते हैं. फर्स्ट इज ट्रू कॉन्जुकेट, देन ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुकेट एंड डायगनल कॉन्जुकेट. फोटो से हम इसको समझेंगे. अगर हम एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की बात करें इनलेट की, तो हम कहां से देखेंगे? ऑब्वियसली सिम्फाइसिस प्यूबिस से टिल सैक्रल प्रोमोन्ट्री. तो अगर इसमें से हम देखें तो तीन तरीके से हम इसको देख सकते हैं. फर्स्ट थिंग इज कि हम जो अपर बॉर्डर है सिम्फाइसिस प्यूबिस का, उससे अपर बॉर्डर ऑफ सैक्रल प्रोमोन्ट्री हम देख सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्रू कॉन्जुकेट. देन हम मिड पॉइंट है जो सिम्फाइसिस प्यूबिस का, उससे अपर बॉर्डर ऑफ सैक्रल प्रोमोन्ट्री तक हम देख सकते हैं, जिसको हम ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुकेट बोलते हैं. देन लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस टू अपर बॉर्डर ऑफ सैक्रल प्रोमोन्ट्री हम देख सकते हैं. ये तीनों ही एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर रहेंगे. जो लोअर बॉर्डर से हम देखते हैं उसको हम डायगनल कॉन्जुकेट बोलते हैं, और यही मेजरेबल होता है डायमीटर. मीन्स ऑब्स्टेटिकली इसको ही हम मेजर कर सकते हैं. देन कम्स अगर हम कैविटी की या मिड पेल्विस का एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की बात करें, तो ये हम कैसे मेजर कर सकते हैं? फ्रॉम लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस टू जो सैक्रल बोन का फोर्थ और फिफ्थ वर्टिब्री होती है, उनके मिड पॉइंट तक हम उसको मेजर कर सकते हैं. या कुछ बुक्स में लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस टू जो सैक्रोकोकिजियल जॉइंट है, मीन्स जहाँ सैक्रम और कोकिक्स एक दूसरे को ज्वाइन करें, वहां तक भी हम इसको मेजर कर सकते हैं. देन अगर हम आउटलेट की एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की बात करें, तो ऑब्वियसली इट विल बी फ्रॉम लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस टू कोकिक्स, टिप ऑफ कोकिक्स. जो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी कोकिक्स मूवेबल होती है, तो ये डायमीटर थोड़ा चेंज हो जाता है. तो हम वापस से टेबल में इसको देखेंगे कि किसका कितना डायमीटर रहता है. तो ट्रू कॉन्जुकेट मीन्स फ्रॉम अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस टू अपर बॉर्डर ऑफ सैक्रल प्रोमोन्ट्री, उसको हम ट्रू कॉन्जुकेट बोलेंगे, वो 11 सेंटीमीटर रहता है. देन ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुकेट मीन्स फ्रॉम मिडिल पॉइंट ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस टू सैक्रल प्रोमोन्ट्री, दैट इज 10 to 10.5 सेंटीमीटर. देन कम्स टू डायगोनल कॉन्जुकेट,
It will be from lower border of symphysis pubis to upper border of sacral promontory. It will be of 12 cm. Yeh sabse bada diameter rehta hai anterior posterior mein, that is 12 cm. And it is like measurable. Jab per vaginal examination karte hain to us time pe isko measure kiya ja sakta hai. Then mid pelvis ki agar hum baat kare, line joining border of symphysis pubis to junction of jo sacral vertebrae 4th to 5th vertebrae ke beech ka rehta hai. Ye mainly kitna rahega? 11.5 to 12 cm. Then agar outlet ke anterior posterior diameter ki baat kare, to it will be from lower border of symphysis pubis to tip of coccyx. Aur ye kitna rehta hai? 11.5 to 13 cm. Q 13 cm because at the time of delivery or at the time of labor, coccyx is movable due to effect of hormones. So normally 11.5 rehta hai, lekin at the time of labor it can increase up to 13 cm. So diagram mein humne kya dekha hai? Anterior posterior diameter. Teen anterior posterior diameter, that is true conjugate, obstetrical conjugate and diagonal conjugate rahenge inlet ke. Then cavity ka rahega ek from lower border symphysis pubis to sacrococcyxial joint tak ya S4 or S5 sacral vertebrae wahan tak, and then lower border of symphysis pubis to tip of coccyx rahega outlet ka anterior posterior diameter. Agar hum oblique ya transverse diameter ko dekhte hain, so oblique kahan se kahan tak hai? It can be left oblique, right oblique. Agar hum left oblique ki hi baat kare, it ranges from sacroiliac joint to iliopectinian eminence. तो ये क्या रहेगा? ओब्लिक डायमीटर. अगर ट्रांसवर्स डायमीटर की बात करें तो टू फार्दस्ट पॉइंट ऑन प्यूबिक एमिनेंस. सो ओब्लिक इज लेफ्ट ओब्लिक डायमीटर फ्रॉम लेफ्ट सैक्रोइलियक जॉइंट टू इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस. जो इनलेट का रहेगा दैट इज 12 सेंटीमीटर. जो ओब्लिक डायमीटर रहेगा वो इनलेट मिड पेल्विस एंड आउटलेट का तो सेम रहेगा. देन कम्स टू ट्रांसवर्स डायमीटर, दैट इज इनलेट का है 13 सेंटीमीटर एंड मिड पेल्विस का इज, इसके अंदर हम क्या देखते हैं? बाइस्पाइनस डायमीटर. एंड आउटलेट का हम देखते हैं बाइट्यूबरस डायमीटर. बाइस्पाइनस मींस जो दो इशियल स्पाइन है उनके बीच का डायमीटर, इंटर इशियल डायमीटर भी हम इसको बोल सकते हैं, दैट इज 10 सेंटीमीटर. एंड आउटलेट का बाइट्यूबरस डायमीटर दैट इज 11 सेंटीमीटर. दिस इज बिटवीन द टू इशियल ट्यूबरोसिटी, उसके बीच का जो डायमीटर रहता है उसको हम आउटलेट का डायमीटर बोलते हैं. हम वापस से फोटो में इसको समझ सकते हैं, लाइक जो दो प्रोट्रूबेंस दिख रहे हैं दीज आर इशियल स्पाइन, इनके बीच का जो डायमीटर है ट्रांसवर्स डायमीटर रहेगा इसका कैविटी का, और जो दो इशियल ट्यूब्रोसिटी दिख रही है इसके बीच का जो रहेगा बाई ट्यूब्रस डायमीटर, ये रहेगा आउटलेट का ट्रांसवर्स डायमीटर. तो आई होप आपको एंटीरियो पोस्टीरियर ट्रांसवर्स एंड ओब्लिक डायमीटर तीनों के इनलेट कैविटी एंड आउटलेट के क्लियर हो गए हैं. देन इस डायग्राम से भी हम सभी डायमीटर्स को एक बार समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं टू सोल्व द क्वेश्चन इन एग्जाम, दैट इज एपी डायमीटर, ऑब्लिक डायमीटर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर. उसमें ही इनलेट के है डायमीटर, कैविटी के हैं एंड आउटलेट के हैं. सो इसको हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, दैट इज 11 12 13, देन सेम 12 12 12 एंड देन 13 12 11. तो हम इसको याद रख सकते हैं कि इनलेट कैविटी या आउटलेट का एपी डायमीटर, ऑब्लिक डायमीटर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर का कितना सेंटीमीटर का एक पर्टिकुलर डायमीटर है टू सोल्व द क्वेश्चन इन एग्जाम. सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू डायमीटर्स ऑफ पेल्विस. तो अगर हम स्मॉलेस्ट एपी डायमीटर देखें तो दैट इज ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट, दैट इज 10 टू 10.5 सेंटीमीटर. अगर हम लार्जेस्ट एपी डायमीटर देखें पेल्विस का, दैट इज डायगोनल कॉन्जुगेट 12 सेंटीमीटर. आउट ऑफ थ्री एपी डायमीटर्स मीन्स ट्रू कॉन्जुगेट, obstetrical conjugate and diagonal conjugate में से only diagonal conjugate can be measured clinically. जैसे आप फोटो में देख पा रहे हो, during pervaginal examination only diagonal conjugate can be measured. फिर आप बात करोगे कि बाकी हम कैसे calculate करेंगे? जो ज्यादा significant होता है that is obstetrical conjugate, तो pelvic adequacy को देखने के लिए हम उसको कैसे measure कर सकते? If diagonal conjugate is like x centimeter in a female, then obstetrical conjugate will be x minus 1.5 or 2 सेंटीमीटर. सो उससे हम कैलकुलेट करते हैं ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट, जब हमें डायगोनल कॉन्जुगेट पता लग जाता है बाय मेजरिंग. देन कम्स अ टर्म दैट इज क्रिटिकल ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट. व्हाट डज इट मीन?
कि अगर 10 सेंटीमीटर से कम होता है ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट। मीन्स इन दैट केस नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल एंड पेल्विक इज नॉट एडिक्वेट। देन अनदर डायमीटर दैट इज इंटरस्पाइनस डायमीटर इज शॉर्टेस्ट मेजर डायमीटर ऑफ पेल्विस, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमीटर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इंटरस्पाइनस मीन्स जो ट्रांसवर्स डायमीटर है किसका, कैविटी का, और कहां से कहां तक, जो दो इशियल स्पाइन के बीच का है, कितना होता है मेनली 10 सेंटीमीटर। अगर उससे कम है ये डायमीटर तो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल। कैसे हम इसको मेजर करेंगे हम आगे देखेंगे। देन कम्स टू इम्पोर्टेंट टर्म दैट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इसका क्या मतलब होता है, सो इट इज द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ पेल्विक इनलेट विथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। नॉर्मली 55 डिग्री होता है। तो किस चीज के साथ एंगल है, इन नॉर्मल स्टैंडिंग फीमेल जो पेल्विस होता है वो एकदम सीधा नहीं होता, दैट इज स्लाइटली टिल्ट। इसके अंदर भी आप देख रहे हो कि थोड़ा क्या रहता है, पेल्विस टिल्ट। तो जो टिल्टेड पेल्विस है स्टैंडिंग पोजीशन में, जो प्लेन के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाते हैं उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, दैट इज 55 डिग्री। जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ये कई बार ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर इंक्रीज हो रहा है एंगल तो हम उसको बोलेंगे हाई इंक्लिनेशन, अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे लो इंक्लिनेशन। हाई इंक्लिनेशन क्यों हो सकता है, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सैक्रल बोन्स, कि भाई S5 से जो सैक्रल बोन है वो सैक्रल वर्टिब्री S6 हो गई है। कैसे हो सकती है, कि जो लंबर वर्टिब्री है वो फ्यूज हो गई है सैक्रल बोन के साथ, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सैक्रलाइजेशन। तो इस केस में क्या रहेगा, अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हाई हो गया है तो फिटस विल टेक लॉन्गर टाइम टू गेट एंगेज्ड, therefore time for delivery will also increase. Then low inclination means decrease in number of sacral bones. और इसको हम क्या बोल सकते हैं, lumbarization, कि जो sacral vertebrae है वो lumbar vertebrae के साथ fuse हो गई है, तो that will known as lumbarization. इस case में रहेगा fetus will take less time to get engaged, therefore time for delivery will decrease. So high inclination, low inclination means sacralization and lumbarization आपको पता होना चाहिए। Normal angle of inclination is 55 degree. Then comes to significance of ischial spine. जो ischial spine होती है उसका significance रहता है कि उसको, उससे related हम देखते हैं station of fetal head, means at the time of engagement जो ischial spine का level रहता है वो, उसको हम zero station बोलते हैं। तो अगर उससे ऊपर fetus का head है at the time of delivery और during engagement तो उसको हम negative में देखते हैं, means -1 to -5। अगर जीरो स्टेशन से आगे है, मीन्स ईशियल स्पाइन से नीचे अगर हेड आ चुका है तो अगेन हम उसको मेजर करेंगे 1 to 5 में, बट पॉजिटिव में। तो इसका सिग्निफिकेंस रहेगा टू रूल आउट कि बच्चे का जो हेड है कौन से स्टेशन पे पहुंच गया है, कितना एंगेजमेंट हो चुका है और कितना रहता है टाइम डिलीवरी होने में। तो जीरो स्टेशन हम कहां से मेजर करते हैं, ईशियल स्पाइन से। देन कम्स टू डिसऑर्डर्स ऑफ पेल्विस। वन थिंग इज कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस का मतलब होता है अगर कोई भी एक डायमीटर पेल्विस का वो कम हो गया है 1 सेंटीमीटर से या उससे ज्यादा, उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। अब जो कॉन्ट्रैक्शन है वो किसी भी लेवल पे हो सकता है, इनलेट बॉडी और कैविटी, मींस इनलेट पे है, मिड पेल्विस पे है या आउटलेट पे है। तो कोई भी डायमीटर 1 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा कम हो गया है उस केस में क्या रहेगा, अगर हम इनलेट की बात करें तो मेन जो डायमीटर रहता है दैट इज ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट, सबसे सिग्निफिकेंट। तो कैसे हम बताएंगे कि पेल्विक इज एडिक्वेट और नॉट, और पेल्विस कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस तो नहीं है, तो कैसे हम पता लगा सकते हैं, इट विल बी डन बाय डायगोनल कॉन्जुगेट डायमीटर मेजर करके। अगर डायगोनल कॉन्जुगेट डायमीटर मेजर करते हैं और उसमें से 1.5 टू 2 सेंटीमीटर माइनस करते हैं तो हमें पता चल जाएगा ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट कितना है। अगर वो 10 सेंटीमीटर से कम आ रहा है इट मींस इनलेट के लेवल पे पेल्विस कॉन्ट्रैक्टेड है। देन कम्स टू मिड पेल्विस। मिड पेल्विस में सबसे सिग्निफिकेंट डायमीटर रहेगा दैट विल बी ट्रांसवर्स डायमीटर, बाइस्पाइनस डायमीटर। तो हम कैसे उसको मेजर करेंगे, कि बोथ ईशियल स्पाइन कैन बी टच्ड विद 2 फिंगर ऑफ सेम हैंड। तो एक हाथ से अगर उनकी फिंगर से ड्यूरिंग एग्जामिनेशन दोनों ईशियल स्पाइन को एक साथ टच कर पा रहे हैं इट मींस वो 10 सेंटीमीटर से कम है और पेल्विस कॉन्ट्रैक्टेड एट द लेवल ऑफ मिड पेल्विस। देन आउटलेट का कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए क्या करते हैं, इफ 4 नकल्स कैन नॉट बी इंसर्टेड बिटवीन ईशियल ट्यूबरोसिटी इट मींस देयर इज कॉन्ट्रैक्शन एट आउटलेट लेवल, जो आप फोटो में देख पा रहे हो, अगर ईशियल ट्यूबरोसिटी के वहां पे 4 नकल्स नहीं एंटर हो पा रही है तो।
So pelvis can be contracted at any level, inlet, mid pelvis and outlet. Then जो contracted pelvis रहता है उसकी दो form हो सकती है, it can be Nigel's pelvis और it can be Robert's pelvis. जैसे आप first diagram देख रहे हो ये normal pelvis का है, सारी चीजें इसके अंदर सही लग रही है. लेकिन जो second pelvis आप देख रहे हो इसके अंदर एक तरफ का allow sacrum absent है, तो उस केस को हम क्या बोलेंगे, Nigel's pelvis, only one allow sacral bone is present. और Robert's pelvis जो रहता है इस केस में both allow sacral bone is absent. So ये दो most common contracted pelvis की form होती है, Nigel's pelvis and Robert's pelvis. Then comes to CPD, means cephalopelvic disproportion. Cephalopelvic disproportion and contracted pelvis are two different things. Contracted pelvis मतलब कोई भी एक diameter 1 centimeter से या उससे ज्यादा कम है, लेकिन CPD का मतलब होता है fetus is too large और pelvis is too small for the delivery. There is disproportion between head of the fetus and maternal pelvis. So CPD भी किसी भी level पे हो सकती है, inlet cavity और outlet. अगर हम इसके management की बात करें तो पहले ये देखा जाएगा कि किस level पे disproportion है और साथ के साथ किस level का disproportion है, means mild CPD है, moderate है या severe है. अगर inlet level पे mild CPD है तो उस time पे obstetrician trial of labor के लिए करेगा, vaginal delivery try करेगा. लेकिन अगर moderate severe degree of disproportion at level of inlet तो उस case में cesarean ही main रहेगा. Then अगर cavity और outlet के level पे disproportion है, चाहे mild, moderate, severe कितना भी है, then also he or she will go for cesarean. फिर बात आती है trial of labor का क्या मतलब है. It means obstetrician is aware that patient has mild CPD at level of inlet, then also he or she is trying vaginal delivery. तो उसको हम बोलेंगे trial of labor. क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ inlet के level पे mild CPD है तो उस केस में से अगर फीटस वहां से पास हो जाता है तो कैविटी और आउटलेट से आराम से पास हो जाएगा, तो ट्रायल ऑफ लेबर एक इंडिकेशन इसमें रहता है. देन कम्स टू सम नॉर्मल वैरायटीज ऑफ पेल्विस. इट इज मेनली बेस्ड ऑन द शेप ऑफ इनलेट. चार टाइप का ये हो सकता है. मेनली ये पर्सन ने दिया था नेम कैल्डवेल एंड मोहेब क्लासिफिकेशन. तो उसके अंदर चार टाइप के पेल्विस हो सकते हैं. इट कैन बी गायनकोइड, एंड्रॉइड, एंथ्रोपोइड और प्लैटीप्लोइड. जो गायनकोइड होता है ये मेनली फीमेल टाइप पेल्विस होता है, 50% केसेस में ये मिलेगा और ये मोस्ट सुटेबल रहता है वेजाइनल डिलीवरी के लिए. वही अगर एंड्रॉइड की बात करें तो उसको मेल टाइप पेल्विस बोलते हैं, ये 20% केसेस में मिलता है और दिस इज लीस्ट सुटेबल फॉर वेजाइनल डिलीवरी. देन कम्स टू एंथ्रोपोइड, ये मेनली 25% केसेस में मिलता है. देन प्लैटीप्लोइड, ये मेनली ओनली 5% केसेस में मिलेगा. तो जो गायनेकोइड होता है ये ब्रॉड पेल्विस होता है, ट्रांसवर्स ओवल होता है, मींस इसका जो ट्रांसवर्स डायमीटर रहेगा वो ज्यादा रहेगा देन एपी डायमीटर. देन कम्स टू एंड्रॉइड, ये मेनली हार्ट शेप, कई बार एमसीक्यू में पूछा गया एंड्रॉइड क्या रहेगा, हार्ट शेप पेल्विस रहेगा और ये कन्वर्जेंट रहेगा. देन कम्स टू एंथ्रोपोइड पेल्विस, ये भी ओवल रहेगा बट इसका जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है वो ज्यादा रहेगा देन ट्रांसवर्स, सो ये ब्रॉड नहीं होगा, ये क्या रहेगा, नैरो. देन कम्स टू प्लैटीप्लोइड, ये मेनली फ्लैट बोल लाइक पेल्विस होता है एंड डाइवर्जेंट रहता है, अनसुटेबल फॉर वेजाइनल डिलीवरी. तो फोटो में आप देख सकते हो, फर्स्ट इज गायनेकोइड जिसका ट्रांसवर्स डायमीटर ज्यादा है एपी डायमीटर से और ये ब्रॉड है, फीमेल टाइप है, मोस्ट सुटेबल फॉर वेजाइनल डिलीवरी. देन एंड्रॉइड, हार्ट शेप है, मेल टाइप पेल्विस रहेगा ये और ये अनसुटेबल रहता है वेजाइनल डिलीवरी के लिए. देन कम्स टू एंथ्रोपोइड, एंथ्रोपोइड भी नैरो रहता है, इसका एपी डायमीटर ज्यादा रहेगा देन ट्रांसवर्स डायमीटर के. देन प्लैटीप्लोइड, ये बाउल लाइक फ्लैट पेल्विस रहता है एंड इट इज ऑल्सो अनसुटेबल फॉर वेजाइनल डिलीवरी. तो मैटरनल पेल्विस की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, वेदर इट इज बोन, जॉइंट्स, देन इंपॉर्टेंट थिंग इज डायमीटर्स and contracted pelvis as well as CPD, that is cephalopelvic disproportion. एक दो बार इसको पढ़िए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब. Until we meet, have a nice day. Bye bye.